तो पावर बी आई की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक विजुअलाइजेशन जो है कंपोजिशन ट्री, डीकंपोजिशन ट्री। ये बहुत ही कूल फीचर है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे एक रिपोर्ट बनानी है। मान लीजिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो यहाँ पे आता है। अब मान लीजिए किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो सिटी रख के हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं मैट्रिक्स में। पर मैट्रिक्स में हो या फिर आपका ये यहाँ पे और भी जो आपके स्टैक चार्ट वगैरह है उसमें भी आपको उतना अच्छे तरीके से नहीं विजुलाइज हो पाता है, तो इसके लिए हम लोग डिकम्पोजिशन ट्री का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए कैसे करना है। डिकम्पोजिशन ट्री आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे गेट मोड विजुअल पे जाके आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन ट्री पे, हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप एक अपना एरिया ले लो। भले से इसका एरिया हम बड़ा ही लेते हैं ज़्यादातर, तो एक बड़ा एरिया हमने ले लिया। सबसे पहला यहाँ पे एनालाइज आता है, मतलब आपको टोटल किसका करना है। अभी जो मैंने आपको एक मैट्रिक्स टेबल दिखाया उसमें आपने देखा कि हमने टोटल एक नंबर का एक क्वांटिटी वाइज लिया था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्वांटिटीज को ही यहाँ पे पुट करते हैं। लेकिन आप देखते हैं क्या एक छोटा सा दिख रहा है, इसे कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, इसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ एनालाइज एक्सप्लेन में ना डालेंगे। तो हमने एक्सप्लेन में पहले नेम को डाला, देन हमने डाला सिटी को, देन हमने डाला एरिया को, ये चीज कर दिया। अब भी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ प्लस का निशान पे अभी आपने कुछ बनाया नहीं है, तो इस पे क्लिक कीजिए। अब बताइए कि इसके बाद क्या हो, इसके बाद हमने बोला नेम हो। अब इसके बाद इस पे किसी एक पे क्लिक करके बोलिए इसके बाद क्या हो, तो नेम के बाद हमने बोला सिटी हो, और फिर हमने सिटी के बाद बोला कि एरिया। तो इस तरह से हो गया। अब आपका ये फाइनलाइज हो चुका है। अब देखिए क्या होगा कि जैसे यहाँ इस ये जो है इस तरह से पहले कोलैप्स रहेगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा नेम वाइज हमारा टोटल सेल्स, और फिर जब किसी एक नेम पे क्लिक करेंगे तो उस नाम का सिटी वाइज सेल आएगा, और फिर हम उस सिटी पे क्लिक करेंगे पर्टिकुलर सिटी पे तो उस सिटी के हमें एरिया आएगा। एक एरिया हो, दो एरिया हो, एरिया आएगा, जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ट्री। इस तरह से हम बना सकते हैं, और जो जो लिया मान लीजिए मुझे इसमें से एरिया नहीं रखना है तो इसमें से यहाँ से कट कर दो, आपका एरिया अब नहीं आएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, आपको बताना है इसके बाद क्या आना है। तो यहाँ से आप जो डालेंगे वो आपको वहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने डेट को रख दिया, अब मैं यहाँ इस पे प्लस कर जयपुर जो हमारा है इसको प्लस कर हमने यहाँ पे मंथ दे दिया, तो इससे क्या हुआ, ये देखिए कि जयपुर में कौन कौन से मंथ का सेल हुआ है, और फिर उसके बाद और क्या चाहिए, तो यहाँ पे उस मंथ का मुझे डे चाहिए, हमने डे रख दिया। तो उस महीने में कौन कौन दिन से, जनवरी में कौन कौन दिन पे सेल किसके दिन सेल हुआ है, मार्च में कौन कौन दिन पे सेल हुआ है, तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। बेसिकली इस तरह की रिपोर्ट हम लोग MS प्रोजेक्ट में करते थे, बट ये MS प्रोजेक्ट का जो पार्ट है ये आपका यहाँ पावर BI में आ चुका है। तो इसको आप यूज करके देखें, किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में आप पूरी की पूरी वीडियो चाहते हैं तो मेरा ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।